हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका यादव और स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और मलेरिया उसका एक भाग है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको मलेरिया ना हुआ हो या उसकी कोई फैमिली मेंबर मलेरिया से ना गुजर चुका हो। यानी कि मलेरिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसके बारे में सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली एक ऐसी बात जो आपको नहीं पता होगी, और यह है मलेरिया की वैक्सीनेशन। जी हाँ, मलेरिया की वैक्सीनेशन होम्योपैथी मेडिसिन की मदद से। आप ये मेडिसिन सिर्फ 3 बार ले लेंगे तो आपको कभी भी मलेरिया नहीं होगा। कैसे लेनी है मैं आगे बताती हूँ, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक। तो सबसे पहले बात करती हूँ मलेरिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। मलेरिया का जो फीवर होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। उसमें आता है सबसे पहले आपको जोरों से ठंड लगेगी, शिवरिंग होगी, इतनी ठंड कि आपको कितना भी ऊपर से ब्लैंकेट्स उठाया जाए तो भी आपको ठंड कम नहीं होगी। उस ठंड के बाद आती है फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा, 104-103 फीवर होगा, और ये फीवर ऐसा होगा कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर तीसरा स्टेज है, वो है परस्पिरेशन, यानी कि पसीने के साथ साथ ये फीवर चला जाएगा और बाद में छोड़ जाएगा, सीवियर प्रोस्ट्रेशन, बहुत सारी थकान। तो यह बात थी मैं मलेरिया फीवर की स्टेजेस के बारे में। उसके साथ साथ होती है डायरिया, वोमिटिंग, हेडेक, सीवियर हेडेक होगा, और एब्डोमिनल पेन भी कई बार हो सकता है। और यदि ये मलेरिया फीवर बहुत ही सीवियर होता है तो कई बार एपिलेप्सी आ जाती है, कन्वल्सन आ जाता है, और फिर कई बार कोमा में भी जा सकता है इंसान, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं यदि मलेरिया की ट्रीटमेंट ना हो तो। तो ये सारी बातें थी मलेरिया के बारे में। अब बात करते हैं मलेरिया को प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन में सबसे पहली बात आती है मॉस्किटो बाइट ना होने दे। ये एक सिंपल रूल है, आप घर में नेट यूज़ करें, ऑल आउट यूज़ करें, आप अपने पूरी बॉडी पर जो एंटी मॉस्किटो क्रीम आते हैं वो यूज़ करें, घर के आसपास क्लीनलीनेस रखें, पानी कहीं पर भी ना रखें। ये सारी बातें होती हैं मॉस्किटो प्रिवेंशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं होम्योपैथी वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ, मलेरिया की वैक्सीनेशन आज आपकी हो जाएगी और उसके बाद कभी भी मलेरिया नहीं होगा। और वैक्सीनेशन इतनी पेनफुल भी नहीं होगी क्योंकि होम्योपैथी ग्लोबिल से वो बहुत ही स्वीट आती है, और 3 दिन तक आपको लेनी है, उसके बाद कभी भी मलेरिया नहीं होगा। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का नाम है मलेरिया ऑफिसिनालिस। जी हाँ, बहुत इजी नाम है, मलेरिया ऑफिसिनालिस। मलेरिया ऑफिसिनालिस के इस तरह से 20 ड्रॉप्स आपको सुबह उठकर आधे कप पानी में डालकर पी जाना है, और उसके बाद पूरे दिन आपको और कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। दूसरे दिन सुबह उठकर ये बात करनी है, तीसरे दिन सुबह उठकर ये बात रिपीट करनी है, यानी कि 3 दिन तक आपको सुबह उठकर 20 ड्रॉप्स मलेरिया ऑफिसिनालिस के ले लेना है। इसकी इफेक्ट क्या होगी, आपकी बॉडी एंटी मलेरियल इफेक्ट कर देंगी, यानी कि आपको मलेरिया फीवर कभी भी नहीं होगा। इस तरह से 3 दिन ये मेडिसिन लेने के बाद आपको क्या करना है, मंथ में एक बार मलेरिया ऑफिसिनालिस सुबह उठकर 20 ड्रॉप्स ले लीजिए जब तक ये मानसून है, यानी कि 3 महीने आपको लेनी है 3 बार, 3 दिन कंटिन्यूस, और फिर दर महीने एक एक बार आपको लेनी मलेरिया ऑफिसिनालिस। उसके बाद आपको मलेरिया कभी नहीं होगा, मलेरिया का टेंशन भूल जाइए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएगा। मलेरिया के बारे में और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, क्योंकि मलेरिया बहुत ही खतरनाक रोग है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है, और उसको प्रिवेंट करने का आपको एक मौका मिला है। आप सारे लोगों को स्प्रेड कर दीजिए, वीडियो वायरल बना दीजिए, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कहीं भी एक ही वीडियो होना चाहिए मलेरिया वैक्सीनेशन के बारे में। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मज़ेदार वीडियो बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।